पिछले साल जब पन्ना में 42 कैरेट का हीरा मिला तो उस वक्त इस हीरे को ढूंढने वाले मोतीलाल प्रजापति बेहद गुर्बत की जिंदगी जी रहे थे। परिवार दाने दाने को मोहताज था, लेकिन मोतीलाल की जिंदगी अब बदल गई है। दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने वाले मोतीलाल अब धनवान हो गए हैं। हीरे की नीलामी उस वक्त लगभग 2.5 करोड़ में हुई, जिसके बाद 18% राशि काटकर बाकी पैसे मोतीलाल को मिल गए। मोतीलाल ने उन पैसों का बंटवारा अपने साथियों में किया, बाकी अपने लिए रख लिए। आज मोतीलाल के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर बन गया है, जमीन खरीद ली गई है। अब मोतीलाल बेटी की शादी की तैयारी में लगे। सर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। मान लो बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज दिया है बाहर, और क्या बोलते बच्ची की शादी करना है, थोड़ा सा जमीन ले लिया, कुछ कर्जा देना था वो भी बाकी जो था पार्टनरों में बांट दिया। मोतीलाल को ये हीरा संयोग से मिला था, लिहाजा भगवान को धन्यवाद करने के लिए मोतीलाल एक मंदिर भी बनवा रहे हैं। मोतीलाल के एक ही कमाल से अब उनकी जिंदगी खुशहाली से कट रही है। क्या मंदिर भी बनवा रहे हैं आप? जी सर। कितना बन गया है, कैसे क्या कर रहे हैं? छोटा सा मंदिर है, जीर्णोद्धार कर रहे हैं सर, और भविष्य की योजना है कि मान लो बच्चा लोग पढ़ जाए, बच्ची की शादी हो जाए और मान लो सब परिवार खुशहाल से रहे, पिताजी हम लोग सभी लोग खुशहाल से रहे। अभी डायमंड का काम करते हैं आप? जी अभी तो बंद है डायमंड का काम। क्यों बंद है अभी? क्यों बंद? पानी नहीं है सर, पानी के चलते सब बंद हो जाता है। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मोतीलाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, किस्मत मेहरबान हुई तो गरीबी की जिंदगी अब अमीरी में कटने लगी। पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।